Assalamu alaikum. Hello everyone. This video is specially for the people who are attending their sick ones, their loved ones, their dear ones, running from pillar to post in various hospitals for oxygen or medicines or remdesivir, whatever. Please listen to what I have to say. I'm sharing my personal experiences with people who were affected with fever or major COVID problems and how we helped them and how we got treated them at home. Now, one has to understand that this is a very basic thing, यानी कि हमेशा से सर्दी ज़ुकाम नज़ला या टाइफॉइड लोगों को होते ही आता था, लंग के रिलेटेड डिजीज़ होती ही थी. ये कोई नई बात नहीं है, इसको सिर्फ एक नया नाम देकर एक बड़ा चढ़ा के उसके ट्रीटमेंट बता रहे हैं. लेकिन हमारा मानना है जो बेसिक डॉक्टर है आपके जनरल प्रैक्टिशनर्स घर में जहाँ जाते थे, मैं उनसे गुजारिश करूँगी और अपील करूँगी आपको उनके पास जाके उनसे दवाइयाँ पहले लो और वो बेशक आपको अल्लाह के हुक्म से घर बैठे ही ठीक कर देंगे. इसमें से आपके पास एक ऐसा एक हैंडी किट तैयार रहना चाहिए, घर में एक ऐसा एक किट बना के रेडी अपने लिए रख लो जिसके अंदर सारी बेसिक एम्यूनिटीज़ की मेडिसिन काम आने के लिए. कभी कोई बीमार हो गया, रातों रात दवाइयाँ नहीं मिली, तो ये चीज़ें आपके पास रहेगी. एक ऑक्सीमीटर, एक थर्मामीटर should be with you. Now I'm telling you this experience because I faced it with my family, I faced it with my friends, and I was very upset when there were no beds in the hospital and everything. So what to do? So we had to call out for a solution. We had to bring in the friends who are doctors together, and as a team we worked out helping the people to get rid of COVID or fever or whatever infection they were carrying on. Ab जिस इंसान को लंग की डिज़ीज़ हो या टाइफॉइड मलेरिया डायबिटीज़ या कोई भी ऑर्गन की बड़ी डिज़ीज़ हो, उनको ज़रा ज़्यादा एहतियात रखना पड़ेगा. लेकिन जो नॉर्मल इंसान है जिसको नॉर्मल फीवर एक दो दिन में आ गया है, उसको तो बेसिक फीवर की मेडिसिन से ही अपने आप को वो ठीक कर ले टेम्परेचर और ऑक्सीजन देख कर. अगर वो ठीक नहीं हुआ फिर उनकी उसकी गिनी चुनी दवाई है. एक एंटीबायोटिक है, एक फीवर की मेडिसिन है, एक वाइटामिन है और एक मल्टीवाइटामिन है और एक वाइटामिन सी है. That's all the doctors gave the patients for 5 days to have. और वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी. आप अपने डॉक्टर से कन्फर्म करके उसको खिलाना अपने चहितों को, लेकिन घबराना नहीं. हर एक बुखार, हर एक सर्दी इज नॉट कोविड. सो डोंट रश टू हॉस्पिटल. मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जनरल फिजिशियन ने ये खेल खेलने की कोशिश किया. एक आता मेरे ही घर वाले के साथ टेस्ट करवा के, ये अभी तुमको ये है करके, इमिजिएटली आई हैड टू कॉल हिम टू माय प्लेस एंड गॉट हिम ट्रीटेड इन माय हाउस फॉर 7-8 डेज. वो कोई नहीं था, मेरा भाई था. समझ में नहीं आया वो डॉक्टर का मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे उससे इंटरेस्ट नहीं था. ऐसे दफा करो, ऐसे लोग दुनिया में रहते हैं. तो आपको ख्याल रखना है, वो थोड़ी सी दवाइयाँ अपने पास रखो, घबराना नहीं. जो आपको एक अटेंडेंट रहेगा, जो ख्याल रखेगा जिस बंदे का, वो मास्क डबल पहन के उसके साथ सामने आएगा जाएगा और ख्याल रखेगा. एहतियात रखना कि उसे बहुत पानी दे. वो जो दवाइयों की लिस्ट दूंगी, इंशाल्लाह आप अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लेना कि ये दवाइयाँ चलेगी मुझे या नहीं. लेकिन मेजर ऑर्गन्स वाले लोगों के लिए नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला. उसमें आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर को. हाँ, सबसे बड़ी बात, खाना पीना नहीं छोड़ना. एक ऐसा डाइट चार्ट हमने बनाया इन लोगों के लिए, वो डाइट चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. समझो वो पेशेंट है, अभी मैं बीमार हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा खाने को अच्छा लग रहा है, तो जो लिक्विड्स आप देंगे उसको स्ट्रॉ में डाल के दे दो तो उसे पता नहीं चलता है. एक ऐसा एक रूटीन बना दो खाने का कि इतने इतने पोर्शन में उसको दिन भर में 6-8 दफ़े आप अच्छी अच्छी चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टर दोगे. जैसे खाने के लिए हमने अंजीर, डेट्स, सूप, पानी, सुबह सब्जी का पानी 7 दिन तक का, बॉइल्ड एग, पूरा बॉइल्ड एग नाश्ता, पूरा भरपेट नाश्ता, सूप चिकन का, मटन का, कॉर्न, टोमेटो, जो भी है, स्ट्रॉ के साथ. नॉर्मल खाना जो घर में बन रहा था वही दिया खाने के लिए. बीच में हर सीजनल फ्रूट दिया चाट बना के या नेम या फ्रूट जूस बना के. उसके बाद नॉर्मल रात का खाना भी था, बीच में नाश्ता दिया जिसमें नाश्ते में भी अच्छी ताकतवर चीज़ें दिए खाने के लिए. ड्राई फ्रूट नट्स एक मुट्ठी दे दो. ऐसे थाली भर भर के वो इंसान के खाने में इस पास नहीं ले जाना, वो नहीं खाते हैं, वो चिढ़ जाते हो देखकर. तो मेरी गुजारिश रहेगी मेरी फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखो हम फैमिलीज के साथ जुड़े हैं, फ्रेंड्स के साथ जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं आजकल हम फेसबुक पे भी बहुत सुन रहे हैं लोगों को बीमार हो रहे जो हमारे ही फ्रेंड लिस्ट में है, और आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं, जिनके घर में
कोई फौत हो गया है और बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ मुझे, और मेहरबानी करके घर से बाहर न जाए इफ द गवर्नमेंट इज़ आस्किंग यू नॉट टू डू सो, प्लीज़ डोंट डू। ये वही लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं जिनका एरियल कॉन्टैक्ट बाहर जाके ज़्यादा हो रहा है। ख्याल रखो अपना, अपने घर वालों का और अपने नियर एंड डियर वंस का। मैं एक ऐसा टेबल बना के इस पोस्ट के साथ चढ़ाऊंगी, आप उसके कंफर्म करना, बिल्कुल घबराना नहीं। इसमें सिम्टम्स चेंज होते जाएंगे, बुखार का पीरियड चेंज होते जाएगा, उल्टी होगी, लूज मोशन होएगा, बहुत सारी चीज़ होगी, पेट दुखेगा। डू नॉट पैनिक, इट टेक्स यू 14-15 डेज टू गेट क्योर्ड एंड अनदर 7 डेज टू सेट अप, सो इट्स लाइक अ 21 डेज यू नीड टू गेट वेल। डू नॉट फियर, आई एम अपीलिंग टू यू। कोई अच्छी हॉस्पिटल की हालत भी नहीं है, इसे घर में ही आइसोलेट करके घर में अपना ख्याल रखो। और मेरी अपील है जनरल प्रैक्टिशनर से, बहुत टाइम मिलेगा आपको कमाने के लिए इस वक्त, प्लीज़ डू सम चैरिटी और गाइड पीपल टू योर बेस्ट। इट्स माई हम्बल अपील, डू नॉट डू इट। इट हैपन्ड विद टू ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आई वॉज नॉट ओके विथ इट। नॉर्मल हालत होती तो मैं जाके उनसे ये क्वेश्चन पूछती थी कि आपने किस हिसाब से ये सब काम किया, लेकिन आई टोल्ड यू आई डिडंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट। सो प्लीज़ लेट्स गेट टुगेदर। कुछ भी कंसल्टेशन, कुछ भी मदद, कुछ भी चाहिए पूछो एक दूसरे से, छुपाओ नहीं। ये बीमारी है, कोई स्टिग्मा नहीं है जो आपको कोई आउटकास्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा समाज से, जमात से। प्लीज़ लेट्स कम टुगेदर। इफ यूर सिक, यूर सिक, इट्स फाइन। लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ घूम रहे हैं, HIV वाले घूम रहे हैं, एड्स वाले घूम रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच विल यू विल रूल आउट। ओके, सो डू नॉट पैनिक एंड ट्राई, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट टू यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अरेंज एमिनिटीज फॉर यू। मेरा एक दफ़े में फेल हुई लास्ट हफ्ते में, 6 घंटा मेरा फेल हो गया पनवेल के पेशेंट के लिए, हम उसके लिए इंतज़ाम नहीं कर सके और वो दूसरे दिन सुबह में गुजर गया। तब से मेरे दिल को बहुत धक्का लगा है, आज 2-3 हफ्ते से 2-3 मौत देखकर ऐसे कि क्या है इनका, हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा हम सबको जमा करते हैं, उनको उनके मन में से डर निकालते हैं, जो एक साइकोलॉजिकली मीडिया इस सब में डर है। नथिंग टू वरी, नथिंग, इट्स जस्ट अ फीवर, इट्स जस्ट अ फीवर विद अ कोल्ड, इट्स जस्ट अ फीवर दैट यू हैव टू टेक केयर। और जो इंसान उसका ख्याल रख रहा है उसका प्यार से ख्याल रखो, उसको आज आपकी ज़रूरत है। कहीं सर दुखेगा, कहीं बॉडी दुखेगा, अंग दुखेगा, टॉयलेट ज़्यादा होगी, उल्टियाँ होगी, यू हैव टू बेयर विद वन। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त, सबके लिए दुआ करिए, खास करके पूरी दुनिया के लिए, ताकि हमको जल्द से जल्द इस चीज़ से निजात हो जाए।